दुर्गा, स्त्री का प्रतीक और शक्ति का असीम रूप। सृष्टि के पालन में आज शक्ति के इस रूप को जिसने भी वंदन किया, वह दुष्परिणामों से दूर माँ रूपी छाया में निरंतर सफलताएं पाता गया। भारत की नारी आज देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने सफलताओं के अमिट पदचिन्ह छोड़ रही है। कोई ऐसा काम नहीं है जो एक नारी पूर्ण नहीं कर सकती। प्रस्तुत है इस नारी शक्ति के प्रतीक का भारत में एक और अध्याय, दुर्गा शक्ति। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मध्य भारत के महाराष्ट्र राज्य के पूर्वोत्तर में बसे नागपुर शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा जंगल जो धरती और इस वातावरण के संतुलन को संभालने में एक अद्वितीय योगदान करता है। छोटे बड़े प्राणी और पक्षियों के साथ ही साथ राष्ट्रीय प्राणी और भारत की पहचान बाघ के लिए एक सुरक्षित एवं मन मोह लेने वाला आवास, पेंच व्याघ्र प्रकल्प। इस जंगल में उगते सूरज के साथ शुरू हो जाता है पक्षियों और प्राणियों का एक और दिन, और साथ ही साथ इनके संरक्षण के लिए तैयार होती है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की दुर्गा शक्ति। आज पेंच व्याघ्र प्रकल्प के अंदर विशेष व्याघ्र संरक्षण दल, जिसको हम स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स करके बोलते हैं, विशेष व्याघ्र संरक्षण दल के अंदर 87 वनरक्षक, 27 वन निरीक्षक ये तैनात है। 33% के आरक्षण अंदर महिलाओं का नियुक्ति किया गया हुआ है। महिला विशेष व्याघ्र संरक्षण दल के अंदर वनरक्षक व वन निरीक्षक है, दोनों पद पे तैनात है। पश्चिम पेंच में कोलितमारा स्थित दुर्गा शक्ति के दिन की शुरुआत शारीरिक व्यायाम और ड्रिल से होती है। ड्रिल हम इसलिए लेते हैं कि हम एसटीपी अपने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, और इस फोर्स में रहने के बाद अनुशासन, संगठन और शारीरिक क्षमता, ये सारी चीज़ें हमें रहनी चाहिए। इसलिए हम रोज सुबह 1 घंटा ड्रिल लेते हैं और उससे हमारा डिसिप्लिन भी दिखता है। फिर शुरू होती है जंगलों में गश्त के लिए जाने की तैयारी, साथ साथ नाश्ता करना, दोपहर के खाने की तैयारी करना और गश्ती पर समय से निकलना। एक अनुशासन ही नहीं बल्कि इनकी सामान्य दिनचर्या है। महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग शहरों और गांव से आई ये स्त्री शक्ति एक साथ एक परिवार की तरह रहती है। मेरा घर ओम नगर नागपुर में है। मैं वर्धा से आई हूँ। मैं बिजली की रहने वाली हूँ, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर है। मैं घोटी गांव की रहने वाली हूँ। घोटी गांव यहाँ से 25 किलोमीटर है। मेरे पति आकाशवाणी कॉलोनी सेमिनरी हिल्स नागपुर में रहते हैं। दोपहर का खाना साथ में लेकर अलग अलग क्षेत्रों में गश्त पर जाने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट में वहाँ से रवाना होती है। टीपीएफ के महिला या कोलित मारे में कार्यरत है, उनका जो काम का नियोजन है माननीय सीसीएफ साहब ने जैसा बताया वैसा उसका नियोजन हो रहा है। वो हर एक बीट में 4-4 महिला भेजते हैं और एक टीम के साथ मैं खुद गश्त करता हूँ। हर एक महिला 10-12 किलोमीटर पैदल चलती है और हर एक के पास जीपीएस होता है और 2 टीम के साथ कैमरा होता है।
जंगल एवं बाघ की सुरक्षा के लिए इन महिलाओं को विशेष एवं कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होता है। अभी तक मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की, टाइगर मॉनिटरिंग, साइट सिक्योरिटी ट्रेनिंग, साइट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग। हमारे पेंच में TF2 टाइगर छोड़े थे इंक्लोजर से, तो वहाँ पे मैं अकेली लड़की थी। जो टीम बनाए थे 6 लड़कों की, और उसमें से मैं एक लड़की थी। मुझे ऐसा अनुभव आया है कि अकेली महिला भी कुछ काम कर सकती। मौसम कैसा भी हो, गर्म या सर्द, बारिश में भी दुर्गा शक्ति की महिलाएं जंगल में गश्ती का कार्य पूरी निष्ठा से करती है। हम गश्त दौरान वन्य प्राणी और बाघ के हलचल पर निगरानी रखते हैं, साथ में ये सुनिश्चित करते हैं कि शिकारियों से वन्य प्राणियों को कोई खतरा तो नहीं। हम गश्त करते समय यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी शिकारियों ने वहाँ जाल तो नहीं बिछाया है, या साथ ही साथ वन में बने वाटर होल को ही हम चेक करते हैं, किसी ने वहाँ जड़ तो नहीं मिला है। नियत क्षेत्र में गश्त के दौरान हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर अवैध चराई या अवैध कटाई तो नहीं हो रही है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, जंगल परिक्षेत्र में स्थित नदी, तालाब और बड़े बड़े बांध क्षेत्रों में नाव के द्वारा गश्त करती है। टाइगर रिजर्व में STPF महिला वनरक्षक जो कठिन परिस्थिति में भी वो काम कर सकती है और अधिक क्षमता से काम कर सकती है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, दुर्गा शक्ति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौतियों का सामना कर जंगल की सुरक्षा में तैनात रहती है। जंगल गश्त के दौरान निसर्ग रम्य वातावरण में अपना दोपहर का भोजन करती है और फिर गश्त के लिए आगे बढ़ जाती है, नीडर होकर अपने काम को पूर्ण करती है। यहाँ पर STPF की दुर्गा शक्ति वल जो है वो प्रोटेक्शन में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, और पिछले 2-3 साल से यहाँ पे कोई भी अवैध घटना नहीं हुई है, इसका श्रेय सब STPF स्टाफ को जाता है। जंगल क्षेत्र से लगे खेत, गांव तथा बाजार परिसरों का नियमित रूप से गश्त करना इनके काम का एक भाग है। बाजार गश्त में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वन्य प्राणी या वन से जुड़ी कोई वस्तु वहाँ बिक्री के लिए तो नहीं है। जंगल में 10 से 12 किलोमीटर की पैदल गश्ती के बाद शाम को दुर्गा शक्ति अपने बेस कैंप में लौटती है। दिन भर की थकान दूर करने एवं मनोरंजन के लिए खेल, हस्तकला एवं अन्य क्रियाकलापों में खुद को सम्मिलित करती है। गश्ती से आके शाम के 5 बजे से 6 बजे तक के रिलैक्स होने के लिए वॉलीबॉल खेलते हैं। हम साथ में ही खेलते हैं सब लड़कियां, और इसके पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, और नेशनल, सीनियर नेशनल, सीनियर स्टेट ये सब कुछ हो चुका है। इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ यहाँ के कि अगर अपन साथ में अगर खेले तो अपने बॉडी भी फिट रहती है, मनोरंजन भी होता है, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के दूर रहते हैं यहाँ पे, तो हम साथ में मिलके एंजॉय कर लेते हैं। अपने परिवार से दूर समय मिलने पर परिजनों से एवं दोस्तों से किसी भी तरह बेस कैंप के कोई कोने में आते हुए छोटे से मोबाइल सिग्नल द्वारा बातें कर यादें ताजा कर लेती है। डिस्टेंट एजुकेशनल कोर्सेस में एडमिशन लेकर शाम के वक्त पढ़ाई कर कई महिलाएं शिक्षा से अपनी संबंध निरंतर मजबूत कर ज्ञान अर्जित कर रही है। ये दुर्गा शक्ति के अंदर जो महिला वनरक्षक व वननिरीक्षक पद पे है, ये लोग पुरुषों के साथ साथ स्वाभिमान के साथ उसके कंधे से कंधे मिलाकर वन व वन्य जीव की संरक्षण का काम उत्तम प्रकार से कर रहे हैं। मनुष्य माँ, बहन, अर्धांगिनी, बेटी के रूप में नारी का ऋणी है। आज उसका अस्तित्व नारी के कारण ही है। वैसे ही भारत देश की अद्भुत वन संपदा, वन्य प्राणी एवं जंगलों से निकलती नदी और शुद्ध हवा के सुरक्षा के लिए यह देश दुर्गा शक्ति का सदैव ऋणी रहेगा।
जैसे भारतीय सेना सरहद पर रहकर देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही हम देश के वन संपदा की रक्षा करते हैं। Thank you.